हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है जो बेबी फूड के ऊपर है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट प्यूरी रेसिपी फॉर 6 मंथ प्लस बेबीज के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट है बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 पीस बनाना ले लिया है। इसे अच्छे से मैं चॉप कर लूंगी। तो इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और उसके बाद एक फोक के स्पून की मदद से इसे मैं मैश कर लूँगी हाथों से, या फिर अगर आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं और उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि और भी अच्छे से प्यूरी बन सकता है। और अगर आप चाहे तो इस तरह हाथों से मैं भी मैश करके बनाना को अच्छे से प्यूरी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और फटाफट बन जाता है ये बेबीज फ्रूट प्यूरी रेसिपी, और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रूट बेबीज के लिए। तो इसीलिए आप 6 मंथ प्लस बेबीज को फ्रूट प्यूरी इस तरह बना के आप उसे फीड कर सकते हो। तो हमारा बनाना फ्रूट प्यूरी बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल यम्मी और टेस्टी लग रहा है। तो आप अपने बेबीज को जरूर फीड कीजिए आज ही। नेक्स्ट रेसिपी है फ्रूट प्यूरी रेसिपी, वो है एप्पल। तो हम एप्पल को यहाँ पे 1 पीस एप्पल लिया है। तो हम एप्पल को इसे पील ऑफ कर लेंगे। एप्पल को यहाँ पे मैं पील ऑफ कर ले रही हूँ। छिलका निकाल देना है, नहीं तो बेबीज के गले में अटक जाएगा। इसके वजह से, क्योंकि 6 मंथ बेबीज जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पतला हमें प्यूरी बना के फीड करना होता है। और यहाँ पे देखिए एप्पल के बीच के जो बीज है, सीड्स है, उसे जरूर निकालिए। वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं बेबीज के लिए, कहीं गले में ना अटक जाए। तो इसके वजह से आप एप्पल के जितने भी पील्स है और सीड से उसे अच्छे से निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने एप्पल को कट कर लिया, अच्छे से पूरा निकाल दिया है उसके अंदर जितने भी सीड्स थे। तो बस इसे अब हम बिल्कुल बारीक चॉप कट कर लेंगे। तो एप्पल को हमने बारीक चॉप कट कर लिया है। तो बस हम इसे अब बॉईल कर लेंगे। तो मैंने गैस पे यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और गैस में पैन में हम डाल देंगे एप्पल चॉप किए हुए, और 1 कप क्वांटिटी में 1 कप आप पानी डाल सकते हैं 1 कप बॉईल करने के लिए। और यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक बिल्कुल बॉईल करने रख दी रही हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा एप्पल जो है बॉईल हो चुका है। तो इसे के मदद से इसे कट करके देख लीजिए कि बॉईल हो चुका है नहीं, तो एप्पल जो है बिल्कुल जल्दी बॉईल हो जाता है। तो बॉईल हो चुका है, तो बस इसे हम अब ठंडा होने रख देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, एक अच्छा सा प्यूरी बना लेंगे। तो बॉईल किए हुए एप्पल को हम अच्छे से प्यूरी बना लेंगे अब मिक्सर में ग्राइंड करके। तो देखिए एप्पल प्यूरी बनके रेडी हो गया है और इसे आप 6 मंथ प्लस बेबीज को फीड कर सकते हैं बिल्कुल। और बहुत ही हेल्दी फूड है एप्पल, जो है वो हमेशा हेल्दी फूड है। तो यहाँ पे आप अपने बेबीज को 6 मंथ प्लस बेबीज को जरूर फीड कीजिए एप्पल प्यूरी बना के इस तरह। अब अगर आप चाहे तो और भी अलग अलग मनपसंद आपके फ्रूट्स आप अपने बेबीज को प्यूरी बना के इस तरह फीड कर सकते हैं। और इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।